साथियों, जय जोहार। आदिवासी कौन है? आदिवासी कौन सा धर्म मानता है? आदिवासी की परंपराएं क्या हैं? 1871 से लेकर 1941 तक की जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्मों में गिना गया है। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आदिवासी वास्तव में कौन है। आज देखते हैं कि आदिवासी कौन है। दोस्तों, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार आदिवासी क्या है, आज हम इसका खुलासा करेंगे। अगर हम भारत देश की जनगणना देखें तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संपन्न कराई जाती है। जनगणना में सभी प्रकार के आंकड़े मौजूद रहते हैं। जिससे अब हम देखते हैं कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत की जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने 1871-72 में की थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना संपन्न कराई जाती है। आइए देखते हैं कि जनगणना के हिसाब से आदिवासियों को क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देखें जनगणना का वर्ष और उस वर्ष में आदिवासियों को क्या कहा गया है। 1871 में हम देखें तो आदिवासियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है एबोरिजिन। यह आपको पेज नंबर 17, 18, 19, 22, 23 पर स्पष्ट ही देखने मिल जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है 1881 में। तो 1881 में आदिवासी को एबोरिजिनल कहा गया है। फिर 1891 में जनगणना होती है। 1891 में आदिवासी को पुनः एबोरिजिनल कहा गया है। 1901 की जनगणना में आदिवासी को एनिमिस्ट कहा गया है। एनिमिस्ट का अर्थ होता है जो सभी चीजों में जीव होता है ऐसा मानने वाला आदमी। 1921 की जनगणना देखें तो 1921 की जनगणना में आदिवासी को एनिमिस्ट ही कहा गया है। अब बात आती है 1931 की। जैसे 1931 की जनगणना होती है तो वहां पर आदिवासी को पेज नंबर 4, 202, 222, 223 और 225 पर स्पष्ट लिखा हुआ है ट्राइबल रिलीजन। ट्राइबल रिलीजन कह के आदिवासी की न सिर्फ अलग जनगणना की गई है अपितु तो उसको अलग धर्मों में भी गिना गया है, जिसको ट्राइबल रिलीजन कहा जाता है। फिर अगली जनगणना संपन्न होती है 1941 में। 1941 की जनगणना में आदिवासियों को ट्राइब्स कहा गया, लेकिन ट्राइब्स कहने के बावजूद भी आदिवासियों को अलग धर्मों में गिना गया है। फिर बात आती है अंग्रेज चले गए 1951 की। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आदिवासी का क्या कहा गया? एसटी, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। लेकिन क्या शेड्यूल ट्राइब कहकर आदिवासियों को अलग धर्म में जन गिनती की गई? नहीं की गई। बस यहीं आकर, यहीं 1951 में आकर आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। कैसे, क्या धोखा हुआ, और हम क्लियर इसको सबूतों के साथ देखते हैं। यह है मेमोरेंडम ऑफ द सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1871-72। पहली बार जनगणना भारत में शुरू हुई थी उसका दस्तावेज। यहां पर आप स्पष्ट देखेंगे तो यहां 1871 की जनगणना में यहाँ पर आप ब्राह्मण की जनगणना अलग लिखी हुई है, क्षत्रिय एंड राजपूत की जनगणना अलग लिखी हुई है, अदर कास्ट की जनगणना अलग लिखी हुई है, कास्ट अनस्पेसिफाई की जनगणना है, आउटकास्ट है, नेटिव क्रिश्चियंस हैं एंड एबोरिजिनल ट्राइब्स, नीचे लिखा हुआ है एबोरिजिन्स। यानी ये एबोरिजिन्स कौन? ये एबोरिजिन्स वो आज के जो शेड्यूल ट्राइब, आज के जो आदिवासी हैं। तो अंग्रेजों ने आदिवासी के लिए जो शब्द काम में लिया पहली बार वो था एबोरिजिन्स। अगली जनगणना हम देखते हैं 1881 की। 1881 की जनगणना में
यहाँ अगर हम रिलीजन वाले टेबल में देखें तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या अलग है, सिख की अलग है, हिंदुओं की जनसंख्या अलग है, जैनों की अलग कॉलम बना हुआ है, क्रिश्चियन का अलग बना हुआ है, पारसी, ज्यू, और यहाँ सबसे नीचे एबोरिजिनल का अलग बना हुआ है। ये एबोरिजिनल शब्द वास्तव में आदिवासियों के लिए काम में लिया गया था। फिर अगली जनगणना हम देखें, अगली जनगणना 1891 में होती है, तो 1891 में आके आदिवासियों के लिए एनिमिस्टिक शब्द काम में लिया गया है। एनिमिस्ट का अर्थ होता है सभी जंतुओं, वनस्पतियों, चट्टानों, प्राकृतिक परिघटनाओं, बिजली, वर्षा आदि सब में जीव होता है, ऐसा मानने वाला इंसान सर्वात्मवाद या एनिमिस्ट कहलाता है। आगे हम और देखते हैं, उन्नीस की जनगणना, इसमें टेबल नंबर 6 में हम देखें द पॉपुलेशन बाय रिलीजन, तो यहां पर एनिमिस्ट का अर्थ क्या होता है स्पष्ट रूप से यहाँ उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है द टर्म एनिमिस्टिक डिनोट्स द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ बिलीफ विच आर फाउंड अमंग द जंगल ट्राइब्स मुंडा, संथाल, भील एटसेट्रा। यानी एनिमिस्ट शब्द वास्तव में भील, मुंडा, संथाल ट्राइब्स के लिए काम में लिया था। ये आपको पेज नंबर 57 पर स्पष्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 1901 की जनगणना के पेज नंबर 272 में देखें तो यहाँ भील में स्पष्ट लिखा हुआ है एनिमिस्ट। फिर 1901 की जनगणना में देखें तो रिलीजन की जितनी कॉलम बने हुए हैं उसमें डी नंबर पॉइंट पे एनिमिस्ट का स्पष्ट वर्णन यहाँ पर किया गया है कि 0 से लेकर 60 साल तक के कितने महिला पुरुष वगैरह थे, क्यों यहाँ पर आदिवासियों की गिनती अलग की गई। फिर 1911 की अगर जनगणना की हम बात करें, सेंसस ऑफ इंडिया 1911, तो यहाँ पर आकर पेज नंबर 44 पर एनिमिस्ट कौन होते हैं, एनिमिस्ट कहाँ रहते हैं, एनिमिस्ट क्या करते हैं, इनकी हर एक चीज की डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ऑल एनिमिस्ट आर मेंबर्स ऑफ जंगल ट्राइब सच एज द भील स्पष्ट लिखा हुआ है। अगला देखें अगर हम तो 1911 की जनगणना में पेज नंबर 52 पर हिंदुओं की जनगणना स्पष्ट लिखी हुई है, मुसलमानों की जनगणना स्पष्ट लिखी हुई है, एनिमिस्ट की जनगणना स्पष्ट लिखी हुई है, जैन की जनगणना का कॉलम अलग से स्पष्ट है। मतलब यहां तक अंग्रेजों ने आदिवासियों को किसी भी धर्म में नहीं माना था, क्योंकि आदिवासी अपना अलग ही धर्म मानता है। 1911 में पेज नंबर 226 पे देखें तो एनिमिस्ट के अंदर कौन कौन आते हैं, भील, भिलाला, गौंड, कोल, सहरिया, यहाँ पर स्पष्ट उनकी जनगणना लिखी हुई है। फिर 1921 की जनगणना अगर हम देखें पेज नंबर 26 पर, तो यहाँ पर जैन का कॉलम स्पष्ट बना हुआ है, एनिमिस्ट लोगों का कॉलम बना हुआ है, मुसलमान लोगों का कॉलम बना हुआ है, हिंदू लोगों का कॉलम बना हुआ है, मतलब आदिवासी अलग थे। 1921 की जनगणना में पेज नंबर 57 पे लिखा हुआ है कि एनिमिस्ट के अंदर कौन कौन सी जातियां आती हैं। 1921 की ही जनगणना में पेज नंबर 102 पे अगर हम देखें तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिलीजन टेबल नंबर 20 में लिखा हुआ है हिंदुओं का कॉलम अलग बना हुआ है, जैनों का कॉलम अलग बना हुआ है, एनिमिस्ट का कॉलम अलग बना हुआ है, मुसलमान का अलग है, पारसी का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। तो इसका मतलब आदिवासी एक मुख्य धर्म हुआ करता था 1921 तक, जो हिंदुओं से अलग था, मुसलमानों से अलग था, पारसियों से अलग था, क्रिश्चियनों से अलग था, जैन से अलग था। 1931 में देखें, 1931 में आकर
जो आदिवासियों का रिलीजन था उसको नया नाम दिया गया यहाँ, और उसको कहा गया ट्राइबल रिलीजन। लेकिन ट्राइबल रिलीजन कहने के बावजूद भी आदिवासियों की गिनती अलग धर्म में की गई। यहाँ पेज नंबर 222 पे देखें तो ट्राइबल रिलीजन अन्य सब धर्मों से अलग है, किसी धर्म के सब डिवीजन में, सब पार्ट में इसको नहीं डाला गया है, एक मुख्य धर्म के अंदर इसकी गिनती की गई है। यहीं पर पेज नंबर 222 पे अगर हम दोस्तों देखें तो हिंदू स्पष्ट अलग लिखे हुए हैं, क्रिश्चियन अलग स्पष्ट हैं, मुसलमान अलग से हैं, और ट्राइबल रिलीजन अलग से यहाँ पर गिनती की गई है। आगे देखते हैं 1931 की जनगणना में पेज नंबर 366 पे, तो यहाँ पर आपको रिलीजन और उसके आगे उस रिलीजन को मानने वाले कितने लोग थे स्पष्ट यहाँ पर आंकड़े लिखे हुए हैं। अब बात आती है 1941 की जनगणना की। अगर 1941 की जनगणना देखें तो यहाँ उन्होंने रिलीजन शब्द हटा दिया, यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बाय कम्युनिटीज, यानी रिलीजन शब्द का विलोप उन्होंने यहाँ पर आकर कर दिया, और रिलीजन के बदले उन्होंने वर्ड दिया है कम्युनिटी। लेकिन कम्युनिटी शब्द देने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदुओं की गिनती अलग की गई है, मुसलमानों की गिनती अलग की गई है, इंडियन क्रिश्चियन की गिनती अलग की गई है, ट्राइब्स की गिनती अलग की गई है, और इन सब धर्मों के अलावा भी जो धर्म के लोग थे उनकी गिनती अलग की गई है। यानी 1941 तक आदिवासियों का धर्म ट्राइब्स के रूप में अलग गिना जाता था। अब बात करते हैं सेंसेस ऑफ इंडिया 1951। यहां आकर आदिवासियों के साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा। अब धोखा क्या है हम देखते हैं सेंसेस ऑफ इंडिया 1951 पेज नंबर 142 पर। अगर हम यहाँ देखें टेबल नंबर A15 पर, तो यहाँ स्पष्ट 1881 से लेकर 1951 तक प्रत्येक धर्म के लोगों की जनगणना के आंकड़े परसेंटेज वाइज यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम अगर यहाँ 1941 और 1951 की जनगणना के आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो यहाँ देखें हिंदू जो 1941 में 75% थे, 1951 में बढ़कर 90.7% हो गए। मुसलमान जो 1941 में 9% थे, घटकर 6.2% हो गए। जैन जो 3% थे, वो घटकर 2.2% हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, चौंकाने वाली बात क्या है, ट्राइबल्स और एनिमिस्ट का अगर हम यहाँ देखें तो 1941 में ट्राइबल के नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है 12%। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 1951 तो उसके आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट मतलब जीरो। तो क्या हमें सरकार से पूछना पड़ेगा कि 1951 में जो आदिवासी 12% थे उनकी गिनती क्यों नहीं की? क्यों 1951 में आकर आदिवासियों को गिनना बंद कर दिया? इसका मतलब सरकार ये मानती है कि 1951 में आकर ये 12% आदिवासी जो थे या तो मर गए, अगर नहीं मरे तो इन आदिवासियों का क्या हुआ, कहाँ गए आदिवासी, क्या मंशा थी सरकार की जो अचानक आदिवासियों की गिनती बंद कर दी? यही पेज नंबर 144 पे हम देखें तो यहाँ पर 1941 और 1951 में कितनी जनगणना थी स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्राइब्स 1941 में 16,74,488 थे, 1,000-2,000 आदिवासियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये सिर्फ राजस्थान के आंकड़े हैं। अगर राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो
यहाँ 16,74,488 आदिवासी कहाँ गए? क्यों 1951 में आकर उनकी गिनती नहीं की, जबकि क्रिश्चियन जो सिर्फ 5,941 लोग थे, जो 1951 में बढ़कर 6,752 हो गए, उनकी गिनती की? जैन कुछ परसेंटेज में थे, उनकी गिनती की? मुसलमान 6% थे, उनकी गिनती की? लेकिन यहाँ पर आदिवासी 12% थे राजस्थान में, उनकी गिनती क्यों नहीं की? 16,74,488 आदिवासी कहाँ गए? क्या सरकार ने मार दिया? अगला देखते हैं हम, सेंसस ऑफ इंडिया 1951 में पेज नंबर 145 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे पहले वाली जनगणना में हमने देखा था कि आदिवासी को चाहे एनिमिस्ट के लो, एबोरिजिनल के लो, ट्राइबल रिलीजन के लो, ट्राइब्स के लो, लेकिन उनका कॉलम में गिनती की थी। लेकिन जैसे हम यहाँ 1951 की जनगणना में देखते हैं पेज नंबर 145 पर, तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख, जॉर्जियन, अदर्स है, लेकिन यहाँ आदिवासी का कॉलम यहाँ पर हटा दिया। क्यों? यहाँ हम क्रिश्चियन देखते हैं 0.044%, फिर भी उनकी गिनती की है। मुसलमान देखते हैं 6.2%, उनकी गिनती की है। जैन जो 2.14% थे, उनकी गिनती की है, लेकिन यहाँ आदिवासियों को सरकार ने गिना नहीं। क्यों भाई? यही पेज नंबर 148 पर अगर हम अब आगे देखें तो राजस्थान में 1941 में भीली भाषा बोलने वाले 7,92,557 लोग थे। क्यों आज हमें नहीं बताया जाता कि भीली भाषा भी कोई भाषा हुआ करती थी? आज हमें जो भाषा बताई जाती है उस भाषा का यहाँ पर कोई वर्णन ही नहीं है, तो क्यों ऐसा आदिवासियों के साथ हो रहा है? क्या सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े झूठे हैं, या आज हम जो देख रहे हैं वो परिदृश्य झूठा है? इसी बात का खुलासा यहाँ पर पेज नंबर 196 पे हमें मिलता है, सेंसस ऑफ इंडिया 1951 के अंदर। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिस ई एम मैक्सवेल, जो एक पीएचडी स्कॉलर थी, कैनेडियन से आई थी, बांसवाड़ा पर, बांसवाड़ा का यहाँ स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने भीलों से पूछा, भील मतलब ट्राइब्स, आदिवासी लोगों से पूछा उनके धर्म के बारे में, तो उन्होंने अपने कस्टम और मैनर्स के बारे में क्या बताया, ये स्पष्ट उन्होंने ई एम एक्सवेल ने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ पॉइंट नंबर ए में, दे डू नॉट एज ए रेगुलर रूल वर्शिप बिफोर हिंदू आइडल्स, अर्थात हिंदू लोग, अर्थात आदिवासी लोग हिंदू देवी देवताओं के आगे पूजा पाठ नहीं करते थे। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है, दे डू नॉट एंटर हिंदू टेम्पल्स, यानी वो हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाते थे। सी पॉइंट में लिखा है, दे डू नॉट हैव इमेजेस ऑफ आइडल्स इन देयर हाउसेस, आदिवासियों के घरों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र नहीं हुआ करते थे। टी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दे डू नॉट एम्प्लॉय ब्राह्मण प्रिस्ट फॉर एनी ऑफ देयर सेरेमनीज, अर्थात आदिवासी लोग अपने जन्म, मृत्यु, विवाह, इस तरह के कार्यक्रमों में ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाते थे, आज भी नहीं बुलाते हैं। तो वे किसको बुलाते थे? वे भोपा और जोगी को बुलाते थे, जो खुद ही भील हुआ करते थे। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि आदिवासी ये मानते हैं कि उनके लोग मरने के बाद पूर्वज भूत बन जाते हैं, लेकिन उनका रीबर्थ होता है ऐसा वो नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगर 1951 की जनगणना में हम देखें तो पेज नंबर 195 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू कौन होता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है बाय बर्थ एंड द मेंबर्स ऑफ विच आर लिमिटेड टू द थ्री मैन हिंदू क्लासेस, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य। अर्थात जो ब्राह्मण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं और जो वैश्य होते हैं, जो जन्म लेते हैं उस जाति में वही हिंदू कहलाते हैं। तो दूसरे लोग कौन? तो यहां लिखा हुआ है सेकंड टर्म काम में लिया गया है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है द सेकेंड इज हिंदुइज्म विच रिक्वायर्स ओनली सम ऑफन नॉमिनल एथेंस टू द ब्राह्मणिकल फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड द मेंबर्स ऑफ विच आर टॉलरेट एंड एज ए रूल रिगार्डेड एज अनटचेबल। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ में विश्वास करने वाले अन्य लोग जो हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं लेकिन फिर भी उन्हें हिंदू नहीं माना गया है, उन्हें हिंदुइज्म करके अलग रखा गया है और वह अनटचेबल होते हैं, अनटचेबल फॉर्म में यहाँ पर उनको गिना जाता है। यहीं पर अगर हम देखें तो पेज नंबर 198 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल माइंडेड हिंदुओं ने अपने मंदिरों के दरवाजे इन लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए खोल दिए। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पॉलिटिकल माइंडेड हिंदूज यानी आदिवासियों को 1951 में आकर क्यों नहीं गिना गया अलग आदिवासी धर्मों में? क्योंकि उन लोगों का पॉलिटिकल फायदा था। इस पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी न बनाकर अनटचेबल शूद्र बना दिया। दोस्तों अगर 2011 की जनगणना के धर्म के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर आदिवासी को 1951 से एसटी शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया गया है लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें एसटी के ही आंकड़ों को तो 9% आदिवासी जो हैं, शेड्यूल ट्राइब जो हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। 0.5% आदिवासी इस्लाम मुसलमान धर्म को मानते हैं। 32.8% आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। 0.9% आदिवासी सिख धर्म को मानते हैं। 2.6% आदिवासी जैन धर्म को मानते हैं। बिल्कुल आश्चर्यजनक तथ्य कि आदिवासी जैन भी हैं। अगर हम देखें आगे तो 7.4% आदिवासी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो पूरे भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से 8.5% आदिवासी हैं जो विभिन्न अलग अलग धर्मों को मानते हैं लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आदिवासी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या नहीं बताई गई है। कहाँ है? अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अंदर तो यहाँ पर C1 अपेंडिक्स 2011 के अंदर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी शोन अंडर अदर रिलीजियंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें टेबल C1 के अंदर तो वो लोग जो वास्तविक आज आदिवासी धर्म को बचा के रखा है, जो अपने आप को आज भी किसी और धर्म में नहीं मानते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने धर्म को अदर रिलीजन में गिनती करवाया है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आदिवासी, एनिमिस्ट, बेगा, भील, भूमिया, बिरसा, बोंडो, गारो, गोंड, खासी, मुंडा, नेचर रिलीजन, ट्राइबल रिलीजन, आदिम धर्म, एसी, आदि धर्म, इस तरह के अलग 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 कॉलम यहाँ बने हुए हैं और उसके आगे उस धर्म को मानने वाले कितने हजार लोग हैं ये भी स्पष्ट वर्गीकरण किया हुआ है। यही शब्द हमने 1871 से लेकर 1941 की जनगणना में हमने देखे थे कि आदिवासियों को एनिमिस्ट, आदिवासियों को एबोरिजिनल,
एबोरजाइन्स, ट्राइब्स, ट्राइब लीजन, शेड्यूल ट्राइब ये कहा गया है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर टेबल C1 के अंदर स्पेसिफिक रिलीजन्स की डिटेल दी हुई है। स्पेसिफिक रिलीजन किन को माना है? हिंदू धर्म, इस्लाम या मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, बुद्धिस्ट और जैन। इसके अलावा जो आदिवासी थे, जो आज भी मानते हैं कि हम आदिवासी हैं, उनको सरकार ने जबरदस्ती अलग अदर रिलीजन में डाल दिया। लेकिन वो यहाँ पर ये बताना नहीं चाहते कि आदिवासियों का भी एक अलग धर्म है। क्यों? क्या साजिश है सरकार की? ऐसा क्या है इस गरीब आदिवासी के पीछे कि सभी धर्म के लोग आदिवासी के पीछे पड़े हुए हैं? हिंदू जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू धर्म में लेके जा रहे हैं, मुसलमान आदिवासियों को मुसलमान धर्म में लेके जा रहे हैं, क्रिश्चियन लोग आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म में लेके जा रहे हैं, अन्य सभी धर्म के लोग आदिवासियों के पीछे ही पड़े हुए हैं। क्यों? ऐसा क्या है आदिवासी के पास में? दोस्तों, अगर हम लोकसभा सेक्रेटरीट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1995 के दस्तावेज पर अगर नजर डालें तो 10 जून 1995 को लोकसभा के अंदर डिबेट हो चुकी है और उस डिबेट का टाइटल था आदिवासीज आर द एबोरिजिन्स ऑफ इंडिया, यानी आदिवासी भारत देश के मूल वासी हैं। यहाँ ध्यान देने शब्द है कि मूल निवासी नहीं, मूल वासी कहा गया है आदिवासियों को इस डिबेट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं भारत की जनगणना के हिसाब से, वो सभी ओरिजिनल दस्तावेज मैंने यहाँ पर आदिवासी समाज .com पर आदिवासी हिंदू नहीं है एक आर्टिकल बनाया है, वहां पर आपको ये पूरी की पूरी जनगणना की ओरिजिनल PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ उस वर्ष के आगे कौन से पेज नंबर पर वो लिखा गया है, आदिवासी के लिए क्या शब्द यहाँ पर काम में लिया गया है, वो यहाँ पर स्पष्ट मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आप चाहें तो उन सभी फाइलों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो आदिवासी परिवार के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे नए वीडियो लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक बेल आइकन बना हुआ है, इसको भी आप दबाना नहीं भूलें। जोहार।